हेलो गाइस, तो आज हम एक और सेशन करते हैं। लास्ट सेशन में हमने करंट डेंसिटी को देखा था और करंट के डेफिनेशन को समझा था, तो आज के क्लास में हम ड्रिफ्ट स्पीड को समझेंगे यूजिंग अगेन 3D ग्राफिक्स। और जो है हम ड्रिफ्ट स्पीड को करंट डेंसिटी के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो, पिछले सेशन में हमने करंट पढ़ा था, तो अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा है तो आप जाके उस सेशन को देखिए। तो इस सेशन को देखने के बाद आपको ज़्यादा कनेक्ट फील होगा और पूरी स्टोरी का पता चलेगा, ठीक है। तो करंट का क्या डेफिनेशन आया था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, क्या डेफिनेशन आया था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्ज के फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, ठीक है। तो एक डेफिनेशन आई थी एवरेज करंट की, वो क्या थी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी वॉज अ बिग टाइम इंटरवल। और एक डेफिनेशन आई थी इंस्टेंटेनियस करंट की, वे डेल्टा टी वॉज क्लोज टू ज़ीरो, मतलब कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, एक इंस्टेंट पे हम लाइक जूम इन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे एक इंस्टेंटेनियस करंट, विच इज़ गिवन बाय डिफरेंशिएशन। अब 11th के कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे रिलेट करो स्लोप के कॉन्सेप्ट को। किसी भी फंक्शन का स्लोप क्या देता था, उस फंक्शन का लाइक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट, और वो स्लोप कैसे हम निकालते थे, डिफरेंशिएशन के द्वारा। तो इसीलिए हम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ को कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन के द्वारा, विच इज़ डी क्यू अपॉन डी टी इन दिस केस, विच इज़ इंस्टेंटेनियस करेंट। तो ओवरऑल करेंट क्या हो गया, इट इज़ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो आज हम कुछ विजुलाइजेशन यूज़ करेंगे और इसको और अच्छे से समझेंगे, और ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है ये भी देखेंगे। तो ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये क्या चीज़ है, तो इसको जानने से पहले हम कुछ कांस्टेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे एक n कांस्टेंट है, स्मॉल केस n, विच इज़ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, जैसे कॉपर का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, ठीक है, हर एक मेटल का अलग होता है, हर एक कंडक्टर का अलग होता है। दूसरा जो कांस्टेंट टर्म होता है वो टाउ होता है, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये क्या नया स्ट्रेंज थिंग है, तो रिलैक्सेशन टाइम मतलब कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कोलिजन कर रहे हैं, किसके साथ, कंडक्टर के एटम के साथ। तो जो दो कोलिजन के बीच का टाइम है, द टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, दैट इज़ कॉल्ड द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन या रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो अब इसकी मदद से हम देखो कुछ चीज़ें को लाइक डिराइव करेंगे। तो जैसे हम एक कंडक्टर ले लेते हैं सिलिंड्रिकल शेप का, उसके एटम्स को हमने दिखा दिया विद द हेल्प ऑफ ब्लू कलर, ठीक है, और हम कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को भी दिखा देंगे, ब्लैक कलर से दिखा दिया। अब जब कोई कंडक्टर नॉर्मली पड़ा हुआ है जिसके एंड्स के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडम थर्मल एनर्जी के कारण मूव कर रहे होंगे अंदर, है कि नहीं, कोई डायरेक्शनल मूवमेंट तो होगा नहीं, समझ आ रहा है। लेकिन जब हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं अक्रॉस दिस सिलेंड्रिकल कंडक्टर, तो क्या होगा, ड्यू टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस देयर विल बी एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ड्यू टू दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आई रिपीट, ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच यू ऑलरेडी नो, जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो अब वो फ्री टू मूव हैं, तो वो मूव करने लगेंगे, वो मूव करने लगेंगे, अच्छी बात है, वो मूव करने लगे। अब जब वो मूव करने लगेंगे तो उनको सामने एक एटम दिखेगा जिससे वो जाके टकरा जाएंगे, जिससे वो जाके क्या करेंगे, टकरा जाएंगे, ठीक है। टकराने के बाद क्या होगा, तो ये एक लाइक थियोरी है, हाइपोथेसिस है, ठीक है। इसमें ये अज्यूम किया जाता है कि टकराने के बाद सारा इलेक्ट्रॉन जो है रुक जाता है, क्या होता है उसके साथ, वो दे कम टू अ हॉल्ट, एंड उनकी स्पीड क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है,
और वो फिर से एक नए तरीके से स्टार्ट करते हैं और वेलोसिटी गेन करते हैं और फिर टकरा के फिर रुक जाते हैं। तो बिल्कुल ये इस थ्योरी के हिसाब से कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ यही होते रहता है, वो चलते हैं वो रुकते हैं, वो चलते हैं वो रुकते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरी में ये अज्यूम किया गया है कि सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक एवरेज स्पीड से चल रहे हैं। किससे चल रहे हैं? एक एवरेज स्पीड से चल रहे हैं, उसी एवरेज स्पीड को ड्रिफ्ट स्पीड बोला जाता है। और अगर डायरेक्शन को इंक्लूड कर लो तो उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल सकते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड ही ड्रिफ्ट स्पीड होगा। तो सारा कुछ क्लियरली पुट कर दिया है, ठीक है। तो थियोरी में हमने क्या माना है कि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे चल रहे हैं? एक फिक्स स्पीड से चल रहे हैं, जिसको क्या बोला? ड्रिफ्ट स्पीड, दैट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। असलियत में क्या हो रहा है ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। असलियत में वो चल रहे हैं, रुक रहे हैं, फिर नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके? तो अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा ही दिया है तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे क्या फोर्स लगेगा? तो क्यू इंटू ई के हिसाब से तुम्हें पता है, ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर अपने चैनल पे कंप्लीट कर लिया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है आप जाके देखिए, बहुत अच्छा कनेक्ट फील होगा। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाता है, लाइक फोर्स कितना हो जाएगा? ई इंटू ई, वेयर स्मॉल केस ई इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड कैपिटल इज़ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ई बाई एम, ठीक है। तो देखो कितना डिस्टेंस चलेगा वो एक रिलैक्सेशन टाइम में, तो वो किसकी कैसे निकालेंगे हम? सिंस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे, टी के जगह पे टाउ पुट कर देंगे, रिलैक्सेशन टाइम के सिंबल को टाउ बोलते हैं। और सिंस थियोरी में क्या अज्यूम किया गया है कि टकराने के बाद जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में आ जाते हैं? रेस्ट में आ जाते हैं। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा? सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर, वे टी की जगह पे आप टाउ रखोगे, ए की जगह पे आप ई बाई एम रखोगे, और क्या हो जाएगा टोटल टर्म? क्या हो जाएगा? हाफ ई बाई एम इंटू टाउ स्क्वायर। तो ये तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है इन रिलैक्सेशन टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड क्या होती है आपको याद है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या इसमें टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो एक 1D मोशन है, और 1D मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है व्हेन देयर इज़ नो टर्निंग। अब चार्ज टर्न तो कर नहीं रहा है, मतलब एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देंगे तो देखो टाउ से कट जाएगा, तो फाइनल जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई या ड्रिफ्ट स्पीड आ गई, क्या आ गई? ई टाउ बाई 2m। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को हम ड्रिफ्ट स्पीड बोल सकते हैं, और यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम ही आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू सेम ही है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियरली पुट कर दिया है, तो आपके सामने क्या आ गया? ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू ई टाउ अपॉन 2m। एक चीज़ ध्यान रखें यहाँ पे कि एवरेज स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। किसके आ गई है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है, वो भी मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल में एटम्स की स्पेसिंग कैसे है उस पर डिपेंड करेगा तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम। जिसमें जगह ज़्यादा है उसमें टकराने का टाइम ज़्यादा होगा, जिसमें बहुत ही क्राउडेड है एटम से इनसाइड द कंडक्टर उसमें रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। तो ये सारी चीज़ें अभी हम 3D में देखेंगे। तो ध्यान से देखो, हमने एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिया था, तो तुम्हारे सामने एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर ले लिया है। लाइक मैंने कोशिश की है कि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। तो ये तो बाहर से तुम्हें सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऐसा दिखता है कि नहीं? लेकिन इसका अंदर क्या है, इसके अंदर कैसा सिचुएशन चल रहा है और क्या होता है, तो उसको मैंने दिखाने का कोशिश किया है। थोड़ा सा टाइम और एफर्ट लगा है, तो अप्रिशिएट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए अच्छी, लाइक दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे देखिए तो इनसाइड रिवील हो रहा है, यहाँ पे इनसाइड कंडक्टर के अंदर कैसा होता है सिचुएशन। तो एक नॉर्मल जो कंडक्टर लोगे, मान लो कॉपर का लिए हो, तो अंदर क्या होगा एटम्स का अरेंजमेंट होगा, अंडर एटम्स का अरेंजमेंट होगा, तो कुछ रैंडम अरेंजमेंट होगा, है कि नहीं?
हर हर कंडक्टर का अपना अरेंजमेंट होता है, कॉपर का अपना अरेंजमेंट होता है, तो उसको दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए, तो जो भी बड़े बड़े जो सर्कल दिख रहे हैं आपको, बड़े स्फीयर्स, जो भी बड़े स्फीयर्स दिख रहे हैं, ये क्या है, ये कंडक्टर के एटम्स हैं। और जो भी छोटे छोटे स्फीयर आपको डॉट जैसे दिख रहे होंगे, ये सारे क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अच्छे से देख लीजिए, इसी तरीके से अरेंजमेंट होता है। अब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बीसीसी अरेंजमेंट एंड ऑल दैट, ठीक है, तो उतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको ओवरव्यू लेना है कि अंदर सिचुएशन कैसा होता है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि जो बड़ा एटम है, बड़ा जो स्फीयर है, वो क्या है, एटम को दिखा रहा है, और जो छोटे छोटे स्फीयर आपको दिख रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप देखिए कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाएगा अभी इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर के क्रॉस, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर दिया जाएगा, तो ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करने लगेंगे, क्योंकि उन पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। और अभी हमने एवरेज स्पीड लाइक निकाल ली है कुछ देरी पहले, तो उस ड्रिफ्ट स्पीड के फॉर्मूले को दिमाग में रखो और इस फिगर को ध्यान से देखो, ठीक है। देखो, तुम इमेजिन करो कि कैसे एक फ्री इलेक्ट्रॉन जब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसके कारण जब वो चलेगा, तो कैसे सामने वाले स्फीयर से जाके वो टकरा जाएगा। देखो 3D में हर जगह मैंने अंदर भी देखो, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्लेस्ड है, तो वो टकराएगा, तो उसके बाद क्या होगा, इस थियरी में क्या बोला गया है कि वो टकराएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, तो जाके वो रुक जाएगा और फिर नए तरीके से वो स्टार्ट करेगा और फिर वेलोसिटी गेन करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये तो एक्चुअल में हो रहा है। तो हमने क्या मान लिया थियरी में, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है कि नहीं, तो एवरेज स्पीड का हेल्प ले लिया। एवरेज स्पीड कैसे निकाल लिया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी भी वही आई, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है कि नहीं, क्योंकि 1D मोशन है। तो द स्पीड अक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड। क्या बोलते हैं उसको, ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हेन यू इंक्लूड द डायरेक्शन एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली पुट कर दिया है ड्रिफ्ट स्पीड क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी कॉन्स्टेंट वैल्यू रिलेटेड टू अ कंडक्टर, उसको हम फिर से देख लेंगे यहाँ पे। तो देखो अभी क्या करते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं यहाँ पे और चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये मैंने बता दिया ऑलरेडी कि ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये, फ्री इलेक्ट्रॉन है। कॉन्सेप्चुअली मैंने बता दिया फ्री इलेक्ट्रॉन और एटम्स कैसे टकराते हैं एंड ऑल, ठीक है। मैथमेटिकली भी हमने ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला निकाल ही लिया है। तो यहाँ पे और भी विजुअलाइज़ कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखो, ऑलरेडी बता दिया था कि वो बड़ा स्फीयर क्या है, वो एटम है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये सारा क्या है, ये तुम्हारा कंडक्टर के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, ये सारा मैंने दिखाने का कोशिश किया है यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ 3D मॉडलिंग। देखो एक चीज़ और क्लियरली मैं बता देता हूँ कि जो n होता है, नंबर डेंसिटी बोलते हैं, नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है फॉर एवरी कंडक्टर, वो चेंज नहीं होगा कभी भी, ठीक है। दैट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, जस्ट डिपेंड अपॉन व्हाट, द टाइप ऑफ मटेरियल दैट यू आर यूजिंग, ठीक है। उस तरीके से टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है, दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, बट है ना, तो उसके बारे में हम ज़्यादा आगे और देखेंगे। बट टाउ इज़ ऑल्सो फॉर मटेरियल एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट। एंड वॉट इज़ टाउ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट इज़ रिलैक्सेशन टाइम, द सक्सेसिव टाइम, लाइक टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर देखो दिखा दिया कि वन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसको घेरा मार दिया मैंने, वो सेकेंड वाले एटम से जाके टकरा जाएगा कि नहीं टकरा जाएगा, ठीक है। तो वो सिलेंडर के अंदर जाएगा, इनटू द सिलेंडर, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, आउटवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, आउटवर्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो डायरेक्शन दिखा दूंगा मैं, रिलैक्सेशन टाइम लिख दिया, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, तो इतने अच्छे से समझा दिया है मैंने तुम्हें यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है,
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है डायरेक्शन दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब सिंस इलेक्ट्रॉन जो है अंदर जा रहा है, ठीक है, इनटू द प्लेन जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? आउट ऑफ द प्लेन। तो देखो दिखा दिया रेड कलर से, ठीक है कि नहीं? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रहा है रेड कलर से। देखो सिलेंडर के सरफेस पे मैं एरो बना रहा हूँ, तो दैट इज़ डिपिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन के जो फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन को हम किससे दिखा देंगे? ब्लू कलर से दिखा देंगे। देखो ब्लू कलर से दिखा दिया, तो वो इनटू द प्लेन है, अंदर जा रहा है। तो इस तरीके से जो है कोलिजन का प्रोसेस होते रहता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल नहीं लगता है तो रैंडम मोशन होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल लग जाता है तो पिछले सेशन में भी बताया था कि एक डायरेक्शनल मोशन होने लगता है। उस डायरेक्शनल मोशन के कारण जो है एक स्पीड आ जाती है, एवरेज स्पीड आ जाती है इलेक्ट्रॉन्स के पास, तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ई टाओ बाई टू एम, वे टाओ इज़ रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब कुछ और चीज़ें डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। तो यहाँ पे देख लिए, मान लीजिए कि हम ले लेते हैं एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर। क्या ले लिया? सिलिंड्रिकल कंडक्टर ले लिया, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ले लिया? कैपिटल ए। अब देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये सारी चीज़ें हमने ना करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले सेशन में हमने डिस्कस कर लिया है, तो जाके देखना, वहाँ पे भी मैंने 3D का यूज़ किया है, बहुत अच्छे से करंट डेंसिटी को समझाया है और डेफिनेशन ऑफ करंट को भी देखा है। तो अच्छे से देख लो, समझ में आ जाएगा, फिर कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस सिलेंडर का यूनिफॉर्म है, तो क्या हो जाएगा? VD इंटू DT क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो लेंथ ट्रैवल करता है DT टाइम में, वही हो जाएगा लेंथ VD इंटू DT, है कि नहीं? क्योंकि उसके पास क्या मान लिया हमने इस थ्योरी के हिसाब से, कि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, विच इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस स्पीड को हम ड्रिफ्ट स्पीड बोल दिए। तो ड्रिफ्ट स्पीड इंटू DT टाइम विल बी द लेंथ ट्रैवल्ड, है कि नहीं? अब वॉल्यूम कितना कवर किया होगा, तो A इंटू VD इंटू DT वॉल्यूम कवर किया होगा, है ना? VD इंटू DT को DL लिख दिया है। अब उस वॉल्यूम में कितने चार्ज होंगे, तो N से मल्टीप्लाई कर दो, जो स्मॉल n था, चार्ज कैरियर डेंसिटी, है ना, कैरियर डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? DQ निकल के आ जाएगा, एंड दैट नंबर इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्योंकि सारे क्या हैं, लाइक अल्टीमेटली तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही है, है ना? तो टोटल चार्ज की वैल्यू क्या आ गई? AVD इंटू DT इंटू N इंटू E, AVD इंटू DT इंटू N इंटू E, दिस इज़ द टोटल चार्ज दैट इज़ फ्लोइंग अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन इन DT टाइम। ओके, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि चार्ज जो फ्लो करता है ना, वॉल्यूम चार्ज जो फ्लो करता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो हमेशा, क्योंकि देखो चार्ज का कहीं ना एक्यूमुलेशन होना है, ना ही कहीं स्टोरेज होना है, ना ही कहीं डिस्ट्रक्शन होना है। तो जो चार्ज फ्लो करके आएगा वही निकलेगा, कहीं पे भी वो क्या होगा, वो एक्यूमुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। तो देखो DQ तुम्हारे पास आ गया, वो कितना आ गया? A इंटू VD इंटू DT इंटू N इंटू E। ठीक है, अब जो ये DQ आ गया, तो ये DT टाइम में फ्लो किया, तो एक यूनिट टाइम में कितना फ्लो किया होगा? तो क्या करोगे? DQ बाई DT कर दोगे। और DQ बाई DT बेसिकली तुम्हें क्या है, तो मैंने ऑलरेडी चैप्टर के स्टार्टिंग में रिवाइज करवाया था कि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज़ बेसिकली करंट, वो क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा। तो A इंटू VD इंटू N इंटू E, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? करंट की वैल्यू हो जाएगी इनसाइड अस लाइक कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे इस वैल्यू को आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। करंट कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ये उसका रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो ध्यान में रखो, करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि एरिया कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, लाइक इस केस में सिलेंड्रिकल एरिया जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट हो गया क्योंकि मटेरियल कांस्टेंट है,
इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, चार्ज का वैल्यू, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे आई क्या आ गया, ए वी डी इंटू एन ई, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि करंट क्या है, वो देखो करंट तो है, पहले भी बताया था पिछले सेशन में कि करंट जो है हर एक कंडक्टर के पार्ट में कांस्टेंट होता है। अब ये कांस्टेंट क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है कांस्टेंट, क्योंकि देखो चार्ज का जो है कहीं पे एक्यूमुलेशन नहीं है, तो जो भी चार्ज फ्लो किया वो लाइक सारे पार्ट से फ्लो करेगा, ठीक है। तो चार्ज फ्लो कितना है, वी डी इंटू ए डी टी है कि नहीं, इंटू एन इंटू ई, तो वो क्या होगा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, होगी कि नहीं कांस्टेंट होगी। तो इसमें जो है ए एन और ई तो कांस्टेंट ही है, क्या है, और स्पेसिफिकली देखा जाए तो एन और ई कांस्टेंट हो गया, एन और ई और टाइम इंटरवल डी टी कांस्टेंट हो गया, तो वैरी क्या कर रहा है, वी डी इंटू ए है कि नहीं। तो वी डी इंटू ए वैरी कर रहा है, तो वी डी इंटू ए ऐसा वैरी करता है कि वो ओवरऑल वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट ही रहती है। जैसे कहीं पे एरिया घट गया, मान लो कि नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर है इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो जहाँ पे वी डी घट जाएगा वहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट जाएगा वहाँ पे वी डी बढ़ जाएगा, ड्रिफ्ट स्पीड है कि नहीं। तो ये तुम्हें क्या कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन याद दिला रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स में, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, बिल्कुल वही है। इसीलिए मैंने बोला कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो फ्लो करता है, जो वॉल्यूम चार्ज फ्लो करता है, वॉल्यूम चार्ज वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे सामने आ गया ए वन वी वी डी वन, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट टू इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट दैट पॉइंट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज फ्लोन तो कांस्टेंट है कि नहीं। वॉल्यूम चार्ज फ्लोन कांस्टेंट है, तो एरिया को अगर घटाए हो तो ऑब्वियसली ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो तुमको बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं, बढ़ाना पड़ेगा, समझा रहा है। तो प्रॉपर से पूरा डेरिवेशन देखो और इस पर एक अपना थॉट ज़रूर लेना। बाकी जो फाइनल रिजल्ट है वो मैंने तुम्हें बता दिया है, यहाँ पे ये भी लिख दिया कि फ्लूइड से कैसे रिलेटेड है, तो वॉल्यूम चार्ज जो भी फ्लो कर रहा है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, तो बिल्कुल कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन की तरह आ गई। अब इस पर बेस्ड हम थोड़े सवाल करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक तुम्हारे सामने टेपर्ड कंडक्टर है, जहाँ पे उसका जो लेफ्ट पोर्शन है वो ज़्यादा एरिया कंटेन कर रहा है और राइट पोर्शन का जो एरिया है वो है कम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तुमसे सवाल पूछ देगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वन पे ज़्यादा है कि टू पे ज़्यादा है। तो अभी तुमने देखा जहाँ पे एरिया कम हो जाएगा, जहाँ पे एरिया कम हो जाएगा वहाँ पे उतना ही वॉल्यूम चार्ज को निकालने के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ज़्यादा हो जाना पड़ेगा। तो सिंपल सा सवाल है यहाँ पे, इतना तामझाम किया तुम्हें समझाने के लिए और आंसर एक लाइन में निकल के आ रहा है कि सेकंड पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन से रिलेट करके ज़रूर याद रखना इसको कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट वैल्यू। Why? Because volume charge flown is constant. And why it is that? Because there is no accumulation or absorption or destruction of charge inside the conductor. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने drift speed की जो है value जान ली है, like formula पता चल गया है। तो drift speed और current density कैसे related है, तो current density का session हमने पिछला लिया था, पिछला session, तो उसको ज़रूर से देखो जाके, अच्छा feel होगा। और continuity रखो, देखो जैसे volume charge का flow का continuity होता है उसी तरीके से अपने पढ़ाई की continuity रखो, तभी जो है तुम्हें feel आने वाली है, ठीक है। तो current density क्या बताया था, current flowing by area perpendicular to the current, ठीक है, area perpendicular to the current, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आई बाई ए अगर कर दूंगा, आई बाई ए अगर मैं कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारे सामने, जे की वैल्यू आ जाएगी करंट डेंसिटी, तो वो आ जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू एन इनटू ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू एन इनटू ई। तो इस तरीके से करंट डेंसिटी को भी हमने पढ़ लिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में। तो यहाँ पे आपके सामने सवाल है, इस सवाल को पढ़ लीजिए, आसान सा सवाल है, आंसर आपके सामने आ जाएगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो सवाल को पढ़ के थॉट ले लो। तो यहाँ पे देखो
ये बोल रहा है कि एक लाइक फ्रस्टम टाइप का कंडक्टर है, राइट पार्ट में ज़्यादा एरिया है, लेफ्ट पार्ट में कम एरिया है। तुमसे पूछ देगा कि बताओ ड्रिफ्ट, अगर करंट का फ्लो जो है वो लेफ़्ट टू राइट है तो बताओ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या होने वाला है। तो पहला, द करंट विल चेंज, तो करंट कभी चेंज करता है क्या? नहीं, क्योंकि करंट किस पर डिपेंड करता है? वॉल्यूम चार्ज जो फ्लो कर रहा है तो वो तो हमेशा कॉन्स्टेंट ही है कि नहीं, हर एक पॉइंट पे। तो वॉल्यूम चार्ज को कॉन्स्टेंट रखने के लिए कौन वेरी कर रहा है? ड्रिफ्ट स्पीड वेरी कर रहा है, क्योंकि एरिया यहाँ पे जो है वेरी कर रहा है कि नहीं। तो करंट तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, ये तो पिछले सेशन से भी पता था और अभी भी पता है। चार्ज कैरियर डेंसिटी विल चेंज, ऐसा कभी होता ही नहीं है। मैंने बताया चार्ज कैरियर डेंसिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द फैक्टर्स, ओनली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल इंक्रीज, तो यहाँ पे देखते हैं आप, देखो एरिया बढ़ गया, तो एरिया बढ़ गया, वॉल्यूम चार्ज जो फ्लोन है वो कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम चार्ज फ्लोन को कांस्टेंट रखने के लिए अगर एरिया बढ़ गया है तो क्या कम होना चाहिए? ड्रिफ्ट स्पीड कम होनी चाहिए। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? डी, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी आसान सवाल था, है कि नहीं। देखो वॉल्यूम चार्ज फ्लोन कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम चार्ज किस पर डिपेंड कर रहा है? ड्रिफ्ट स्पीड इंटू एरिया इंटू डी टी इंटू एन इंटू ई। तो डी टी, एन और ई तो कांस्टेंट ही था, तुम्हें याद आ रहा होगा डेरिवेशन। तो बचा क्या? अब वॉल्यूम चार्ज को कांस्टेंट करने के लिए एरिया और वेलोसिटी लाइक ड्रिफ्ट स्पीड को तुमको वेरी करना पड़ेगा। एरिया बढ़ गया तो ड्रिफ्ट स्पीड को कम करना पड़ेगा, एरिया अगर कम हो गया तो ड्रिफ्ट स्पीड को बढ़ानी पड़ेगी, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं आपसे ये कमेंट करवा लूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन वन और टू क्या होगा? ड्रिफ्ट स्पीड तो तुम बता दोगे कि ड्रिफ्ट स्पीड जो है पोजीशन टू पे कम होगा क्योंकि एरिया बढ़ गया है, तो सिंपल सा बात है यहाँ पे, तो ये तो तुम बता दोगे। अब तुम बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या सिचुएशन होगा? तो याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिपेंड कर रहा था ड्रिफ्ट स्पीड पे? ड्रिफ्ट स्पीड पे कैसे डिपेंड कर रहा था? तो एक तो फॉर्मूला आ गया था तुम्हारा करंट का इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड, वी डी इंटू ए इंटू एन ई। एक आ गया तुम्हारा करंट डेंसिटी, जे इज इक्वल टू वी डी इंटू एन ई, जे करंट डेंसिटी को दिखाता है। और एक स्टार्टिंग में जो ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू आई थी, फॉर्मूला आया था, वो आया था ई टाओ बाई टू एम। क्या आया था? ई टाओ बाई टू एम। तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है कि टाओ जो है मटेरियल पर डिपेंड करता, एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के, है कि नहीं। तो मतलब सेकंड पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा और फर्स्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर पैटर्न तुमसे बनाने के लिए पूछ दे एग्ज़ाम में, तो तुम उसको नैरो बनाना वहाँ पे, और सेकंड पे वाइड बनाना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बीच में ज़्यादा स्पेस रहेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि डेंसिटी कम होने से लाइन्स के बीच में स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो कहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी? वन पे। और कहाँ पे डेंसिटी कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? टू पे। तो इस तरीके से हमने ड्रिफ्ट स्पीड को विजुलाइज कर लिया है और अच्छे से फॉर्मूला भी देख लिया।